बगलापुर गांव के राजा चतुर रामलिंगम को अपनी बड़ी बड़ी मूछों से बहुत प्यार था। राजा हर दिन अलग अलग मशहूर नाई को बुलाता और अपनी मूछों को और घना और बड़ा करने के लिए बोलता। मंत्री जी, किसी मशहूर नाई को बुलाया जाए, वैसे भी दरबार खाली ही रहता है, सोच रहे हैं अपनी मूछों को ही ठीक करवा लें। अरे ये राजा ने तो नाक में दम कर दिया है, अब मैं हर दिन अलग अलग इसके लिए नाई कहाँ से लेकर आऊं? मंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? चलिए जल्दी से किसी नाई को बुलवाइए। हाँ 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 राजा साहब, मैं अभी सबसे मशहूर अच्छे नाई को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। मंत्री जी एक गांव से दूसरे गांव अपनी सेना के साथ घूमते रहे, परंतु कोई भी नाई नहीं मिला। हर एक गांव में खबर फैली थी कि पगलापुर का राजा अपनी मूछों के पीछे पागल है, अगर किसी ने उसकी मूछें खराब कर दी तो वो उसे सूली पर चढ़ा देगा। इसी डर से कोई नाई सामने नहीं आता था। माफ कीजिए राजा साहब, हमें कोई नाई नहीं मिला जो आपकी मूछों को और भी सुंदर और घना बना सके। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी नाई राजा चतुर रामा लिंगम की मूछे बनाने से इनकार कर दे? अरे राजा साहब, आपने ही तो सबको फरमान सुना रखा है, यदि कोई आपकी मूछे खराब करेगा तो उसे सूली पर चढ़ा देंगे। अच्छा ऐसा है, तो चलो हम एक फरमान जारी करते हैं, जो भी हमारी मूछे बनाएगा हम उसे शाही नाई घोषित कर देंगे और उसे हमेशा अपने महल में ही रखेंगे, खूब सारा धन भी दिया जाएगा। लो गई भैंस पानी में, ये चतुर पुत्र ने मूछों के पीछे इतना पागल है कि नाई को भी शाही बना दिया, खुद के खाने के लाने पड़े हैं और शाही नाई बनाएगा उसे, साला। मंत्री जी तुम फिर चुप हो गए, बोलते क्यों नहीं हो? अरे राजा जी आप भूल गए हैं, हमारा शाही खजाना पूरा खत्म हो गया है, हम लोग रोड पर आ गए हैं, रोड पर गरीब हो गए हम, आपके पास सिर्फ महल ही बचा है। अरे अरे मंत्री जी, आप इतनी जोर से ये बात क्यों बोल रहे हैं? कोई सुन लेगा तो हमारा मजाक बन जाएगा, आप जाइए और नाई को ढूंढ कर लाइए। हाँ हाँ जा रहा हूँ ढूंढने, लेकिन उसे शाही नाई बनाने से पहले मेरा हिसाब कर देना, खुद प्रजा के टुकड़ों पर पल रहे हैं और नखरे अभी तक राजाओं वाले। क्या बोले मंत्री तुम? कुछ नहीं कुछ नहीं, जा रहा हो, तुम हवा खाओ हवा। तेज तेज हवा करो, गर्मी लग रही है। मशीन नहीं है, कर तो रहे हैं। अच्छा अब हम गरीब हो गए तो हमारी कोई इज्जत नहीं। इतनी ही दिक्कत है तो हमारा हिसाब कर दो। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। मंत्री जी हर गांव में घूम घूम कर परेशान हो गए थे, तभी गांव का एक व्यक्ति। अरे मंत्री जी, मैं एक नाई को जानता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा बेवकूफ है। अरे कोई भी हो, हमें क्या, तुम उस नाई के पास लेके चलो, इस चतुर पुत्र ने बहुत दिमाग खराब कर रखा है। अरे लल्लन, ओ लल्लन, देखो तुम्हारे लिए मैं एक ग्राहक लेके आया हूँ। ग्राहक? अरे वाह, आओ आओ बताओ, क्या काटूं, तुम्हारी नाक या तुम्हारे बाल? अरे भैया नाक कौन सा नाई काटता है? अरे भाई नाक के नीचे के बाल बोल रहा था मैं। वो नाक के बाल? अरे तुम दोनों अपनी बकैती छोड़ो और मेरे साथ राजमहल चलो, वरना वो कंगाल राजा मेरा दिमाग खा जाएगा। कहाँ कंगला राजा? कुछ नहीं चलो चलो महल चलो। अरे मंत्री बताओ जल्दी से, किसको मुंडन करना है? राजा का ही कर दो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं नहीं, राजा साहब की मूछें बराबर कर दो, बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन ध्यान से मूछों को सिर्फ बराबर करना है। हाँ हाँ अभी कर देता हूँ,
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। नाई राजा के पास जाकर उसकी मूछे काटने लगता है। तभी राजा की तरफ देखकर दरबार में बैठे सब लोग हंसने लगते हैं। क्या हुआ, हमने कोई जोक मारा क्या? अरे राजा आपकी मूछे। क्या हुआ हमारी मूछों को? नाई ने अपनी बेवकूफी में राजा की मूछे उड़ा दी थी, जिसे देखकर दरबार में सब लोग राजा का मजाक बनाने लगे। ये देख राजा को गुस्सा आया। तुमने हमारी प्यारी मूछे उड़ा दी, सिपाहियों बंदी बना लो नाई को। पहले हमारी तनख्वाह दो, तब हम तुम्हारा काम करेंगे। हाँ, अब तुम भी हमारी गरीबी का फायदा उठा लो। तुम ही हो गरीब राजा, राजा के टुकड़ों पे पल रहे हो बस। अरे भाई माना अपनी जेब से गरीब है। अरे भाई माना हम गरीब हैं, लेकिन इतनी भी बेइज्जती मत करो, हम अभी भी राजा हैं। अरे लिंगम बैठना चुपचाप, क्यों चपड़ चपड़ कर रहा है? हमारा नाम लिंगम नहीं चतुर रामा लिंगम है, और तुम्हें दंड मिलेगा। सेनापति नाई को लेकर जाके काल कोठरी में डाल दो, आदेश का पालन हो। सेनापति नाई को ले जाकर कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन राजा अपनी मूछों को याद करके रोने लगता है, और पूरे दरबार में राजा के रोने से सब लोग परेशान हो जाते हैं। तभी मंत्री उस नाई के पास वापस जाता है। अरे बेवकूफ, मैंने तुम्हें बोला था मूछ के बाल बराबर करने हैं, तुमने पूरी मूछ उड़ा दी, अब तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे सूली पर मत चढ़ाओ, मैं राजा की मूछें वापस ला सकता हूँ। अच्छा वापस ला सकते हो तुम? मेरे पास एक जादुई मूछ है, अगर मैंने वो राजा को लगा दी तो वो फिर कभी नहीं निकलेगी और हमेशा के लिए चिपक जाएगी, राजा की मूछें। और फिर कभी किसी बेवकूफ नाई ने वो उड़ा दी तो तुम्हारी तरह? अरे ऐसा कभी नहीं होगा, वो मूछें जब भी काटोगे वो वापस से अपना आकार ले लेंगी। अच्छा तो चलो फिर जल्दी से वो मूछें लगा दो राजा के, उसने मेरा दिमाग खा रखा है, रो रो कर पूरा दरबार सर पे उठा लिया है चित्रपुत्र ने। नाई जादुई मूछों को लेने वापस अपने घर जाता है और अपनी अलमारी से मूछों का डब्बा दरबार में ले आता है। अरे ये नाई बाहर कैसे आया, इसे बंदी बना लो। अरे राजा जी मैं आपकी मूछें वापस ला सकता हूँ। परंतु कैसे, तुमने तो मेरी मूछ उड़ाकर मुझे मुछमुंडा बना दिया, मेरी मूछ वापस कैसे लाओगे? तुम बस आंखें बंद कर लो और मुझे अपना काम करने दो। अरे लिंगम अपनी आंखें खोलो। मारा नाम चतुर रामा लिंगम है, समझे ना समझ, एक बार और लिंगम बोला तो तुम्हारी जबान काट दी जाएगी। चलो चलो शीशा देखो, लग गई तुम्हारी मूछें। राजा शीशे में खुद को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन नाई राजा को परेशान करने के लिए फिर से उसकी मूछें काट देता है। बेवकूफ नाई, अब क्यों मेरी मूछें काट दी तुमने? मुझे अच्छी नहीं लग रही तुम्हारी मूछें। तुम्हारी ये जरूरत, तुम हम पर हंस रहे हो, राजा चतुर रामा लिंगम पर? सिपाहियों बंदी बना लो इसे। हम का तुम्हारे पिताजी के नौकर है, बार बार बोल देते हो बंदी बना लो, वो बंदा अच्छा नहीं लग रहा, हमें नहीं करना तुम्हारा काम, हमारा हिसाब कर। अरे बुड़बक राजा क्यों परेशान होता, देखो तुम्हारी मूछ को कुछ नहीं हुआ, बस आ गई तुम्हारी मूछे। राजा अपनी मूछों को देखकर हैरान रह जाता है और बहुत खुश हो जाता है। अरे परंतु ये कैसे हुआ? जादुई मूछे हैं, इन्हें जितना भी काटो ये वापस से अपना आकार ले लेती हैं। बहुत खूब नाई बहुत खूब, अब से तुम हमारे दरबार के शाही नाई हो, हम खुश हुए। राजा अपनी जादुई मूछे देखकर बहुत खुश हो जाता है और अब उसे अपनी मूछे खराब होने का भी कोई डर नहीं रहता।